दंगल क्वीन दिव्या ककरन सिर्फ अखाड़े के अंदर ही नहीं, अखाड़े के बाहर भी पहलवान है। आप मिले इनसे? आज कुछ बन चुकी हूँ, आज सब बुलाते हैं। जैसे आपको बताया, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया था, तब मैंने ये बात बोली थी। जिस टाइम मुझे जज उठी ना, उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जल्दी हाथ मिलाए पैरों, पैसे जो कहेंगे मैं रख दूंगा। पैरों हाथ मिलाए बाहर हो जाए, इसके बाद मैं किसी के कोई हाथ नहीं मिलवाऊंगा। 120 दे दे, इतना ही हो सका। हरियाणा में जाते जाते थे, उधर देखते थे कि बेटी भी करती हैं। गीता फोकटे, इनका बहुत बच्चों का नाम लेते थे ये। तो मेरे मन में भी आ गया, एक बेटी मेरी भी है, मैं भी अपने बेटे को जो है दंगल में मतलब खिलाऊं। पहली बार दंगल में उसी लड़ी थी, एक लड़के से लड़ी थी, और तब मैं भी बहुत छोटी थी। जैसे भीड़ इकट्ठे रहते हैं तो उसमें से एक लड़के के पापा है, वो कह रहे कि मैं 500 रुपये रखता हूँ और मैं कुश्ती कराऊंगा ऐसे करके। तो फिर मेरे पापा ने बोल दिया ठीक है करा लो भाई। तो फिर मेरी उस लड़की की कुश्ती होगी, तो फिर मैं जीत गई। तो मेरे भी 3000 रुपये थे तब पहली बार। लड़कियों काफ़ी कुछ करना चाहती है लाइफ में, पर लेकिन नहीं करने देते कि बाहर नहीं जाना या ये नहीं करना, या गांव की चाहे कोई छोटी बिरादरी हो, किस लड़की को कहाँ तुम बाहर भेज रहे हो। तो बस यही सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी गांव से निकली हुई हूँ, आज यहाँ पे ही हूँ। ऐसे नेता को वोट करना चाहती हूँ जो आगे जाके मतलब हम स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करे। जो नई जर्नी के बच्चे निकल के आ रहे हैं ना, वो काफ़ी टैलेंटेड आ रहे हैं, पर लेकिन अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला तो कितने ही छोड़ भी देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे नेता निकल के आए, जिनको मैं वोट दूँ, वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें।